हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिवाली के बाद धीरे धीरे हमारा रूटीन आ रहा है वापस ट्रैक पे। दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग वॉक के साथ और आज ब्रंच में बना दिए थे काले चने और आलू की सब्जी। दिवाली छुट्टी पे नीर की डांस क्लासेस भी बंद हैं, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना ही है, तो नीर को आज हमने इन्वॉल्व कर लिया था एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वॉल हैंगिंग बनाने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी चल रहा है दिवाली वीक, और दिवाली के अंदर हमारे घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ आती है, और मतलब दिवाली में घर में मतलब खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी बढ़ जाती है, मज़ा सा आ रहा है दिवाली में। तो उसमें से एक बहुत कॉमन होता है एक ड्राई फ्रूट जो कि होता है पिस्ता, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं दिन में 9 पिस्ता खाता हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी होते हैं वो, और फिर उसके बहुत सारे छिलके बच जाते हैं। ये देखो इतने सारे हमारे पास पड़े हुए हैं पिस्ता की शेल्स, और मैंने सोचा है कि मैं इनसे अलग से क्राफ्ट बनाऊँ। ये सारे पेंट्स कलर है, ये मेरे पास ट्यूब फॉर्म में है, ये मेरा सारा का सारा सामान है, ये मेरा वाटर कलर्स है, इनको मैं इस शेल्फ पे इसको लगा के कलर करके यहाँ पे रखता जाऊँगा, और ये मेरे ब्रश है उससे मैं शेल्फ पे कलर करूँगा। तो गाइस मैंने एक शेल कलर कर दिया है, और ऐसे एक फ्लावर में 6 शेल्स होंगे, तो ऐसे मेरे को और 5 और शेल्स कलर करने हैं और दूसरे फ्लावर के लिए भी करने। तो नीर का प्लान था बनाने का कलरफुल फ्लावर्स पिस्ताचो के शेल्स यूज़ करके। ब्राइट फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो नीर ने चूज़ करे थे कुछ ब्राइट कलर्स जिसमें रेड, ब्लू, पर्पल, येलो और ऑरेंज था, और सभी शेल्स को कलर कर दिया। तो गाइस मैंने अपने पिस्ता शेल्स को कम्प्लीटली पेंट कर दिया है, और ये अब थिक सी शीट है मेरे पास ये, और इसके ऊपर मैं अपने जो शेल्स हैं उनको पेस्ट करूँगा जिससे वो एक फ्लावर बनेंगे, और उनके थोड़ा से डेकोरेशन से करूँगा। फ्लावर्स की शेप थोड़ी छोटी रखी थी इसीलिए बस 5 ही शेल्स यूज़ हुए। तो गाइस ये मैंने मेहनत से एक फ्लावर लगा दिया, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप बिना पेंटेड जो पिस्ता होते हैं पिस्ता शेल्स, बिना पेंटेड पैर उनको लगा दो और फिर उनको कलर कर दो, पर मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, पेस्ट करके मुझसे इधर उधर हो जाते, तो पहले मैंने पेंट किया ताकि कोई रिस्क ना हो। शीट पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे राउंड सर्कल्स बना दिए थे फेविकॉल के, और उसके ऊपर फ्लावर की शेप करके शेल्स, और अभी से बहुत प्यारा लग रहा था। तो गाइस मैंने अपने फ्लावर्स का वो पूरा पिस्ताचो वाले फ्लावर्स चिपका दिए, अभी तक बताना आपको कैसे लग रहा है, आप ये देखिए, और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रांचेस और लीव्स दिखाने के लिए, ऐसे करके लगाऊंगा। गाइस ये ब्रांच को थोड़ा लगाना टफ है, तो इसलिए पापा इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं। गाइस मैंने ये रेडी कर दिया है, थोड़ी सी पापा ने ब्रांचेस में हेल्प कर दी थी, बाकी सब कुछ मैंने खुद बनाया है सब कुछ, और आप बताना कैसा लग रहा है कमेंट्स में देखकर, ये पापा और मेरी काफ़ी मेहनत थी। तो जैसे मौका मिलेगा इसको पहले हम फ्रेम करवा लेंगे और फिर वॉल पे लगाएंगे। तो जब भी आपके पास टाइम हो ये वॉल हैंगिंग बनाना ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजिली बनती है और खूबसूरत तो बेहद लगेगी। तो बस ऐसे ही था आज का हमारा दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।